नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 मई दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को बताया काला दिन। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, आरजेडी को इसी ताबूत में दफन कर देगी जनता। सीएम नीतीश ने बीजेपी पर साधा निशाना। इस विधायक इस्तीफे से जदयू को लग सकता है बड़ा झटका। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया कटाक्ष। इसके साथ ही बढ़ते हैं राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। एनडीए का हिस्सा न होने के बावजूद इन पार्टियों ने विपक्षी दलों को साफ किया अपना रुख। आखिर इतने विवादों के बीच संसद भवन का उद्घाटन हो ही गया। इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कुल 20 विपक्षी दलों द्वारा किया गया था, लेकिन बावजूद इसके जो भी गणमान्य इस उद्घाटन में मौजूद थे, उनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही विशेष तरीके से किया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को संसद भवन में अगले पंक्ति में बैठे देखा गया। वहीं विपक्षी पार्टियों से ठीक विपरीत देश के अलग अलग राज्यों के कई राजनीतिक दलों ने अपना स्टैंड लेकर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इनमें बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और लोजपा के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। एसडी देवेगौड़ा से खुद पीएम मोदी मिलने आए थे और पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर स्वागत किया। बता दें कि विपक्षी पार्टियों के रणनीति को संसद भवन में शामिल हुए ये पार्टी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पार्टियां भले ही एनडीए का हिस्सा न हो, लेकिन उद्घाटन समारोह में शामिल होकर ये विपक्षी पार्टियों को अपना रुख साफ कर चुकी है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को बताया काला दिन। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद अब जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने उद्घाटन समारोह और नए संसद भवन को लेकर कहा है कि यह लोकतंत्र के दामन पर गहरा धब्बा है और 28 मई की यह तिथि काले दिन के रूप में सदैव याद की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे लिए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस प्रकार एक घिनौने षड्यंत्र के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी को संसद भवन के उद्घाटन समारोह से अलग रखा गया है, वह संसदीय परंपरा और संविधान की बुनियाद पर बड़ा प्रहार है। इसलिए हमारी पार्टी उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष अनशन कर रही है। कपिल सिब्बल ने बीजेपी को समझाया सिंगोल का मतलब। संसद भवन के उद्घाटन समारोह समाप्त होने के बाद भी सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सत्ताधारी और विपक्षियों के बीच अब विवाद यह भी सिंगोल को लेकर बना हुआ है। अभी एक बार फिर से सिंगोल को लेकर ट्विटर के जरिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। अपने इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को सिंगोल का मतलब समझाया है। दरअसल ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिंगोल को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का पर्याय मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हो सके तो आप मेरी बात मान लेना। भारत में उन लोगों की इच्छा के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण हुआ जिन्होंने खुद को यह संविधान दिया। देवी मीनाक्षी द्वारा मदुरई के राजा को भेंट किया गया सिंगोल शासन करने के दैवीय अधिकार का प्रतीक है। सीएम नीतीश ने बीजेपी पर साधा निशाना। केंद्र की बीजेपी सरकार पर नीतीश कुमार ने जमकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, इन लोगों ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है, सभी चीजें एक तरफा हो रही है, ये लोग काम नहीं प्रचार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि इन लोगों ने 1998 से 2004 के बीच के काम को भी पूरा नहीं किया। आगे उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि नया कौन सा काम कर रहा है। हम लोगों ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा पर वह नहीं मिला। गरीबी के बावजूद हम लोगों ने विकास का सारा काम किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में धार्मिक उन्माद को हम लोगों ने न के बराबर कर दिया, लेकिन कुछ लोग फिर से इसे कराने की कोशिश में हैं। हम लोग जाति आधारित गणना के पक्ष में हैं, पर कुछ लोग चाहते हैं कि यह ना हो। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और राजद को लेकर कह दी ये बात। राजद पार्टी द्वारा नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की गई थी, इसे लेकर अब AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राजद के इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि राजद के बारे में क्या ही बोले, इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजद पार्टी की विचारधारा बदलती रहती है, ये लोग कभी खुद को सिक्योर बताते हैं तो कभी भाजपा से निकले नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर सरकार का गठन कर लेते हैं। इस विधायक इस्तीफे से जदयू को लग सकता है बड़ा झटका। बीते ही दिनों पूर्व मंत्री मोनाजीर हुसैन ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका दिया है। सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि पार्टी अपनी दिशा से भटक गई और अब मेरे पास जैसे लोगों की पार्टी को जरूरत नहीं है। बता दें कि मुस्लिम कम्युनिटी से अपना संबंध रखने वाले मोनाजीर हुसैन मुंगेर से 4 बार विधायक रह चुके हैं, इस वजह से वे जदयू पार्टी में एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में ठीक आगामी चुनाव से पहले मोनाजीर का यू पार्टी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए बुरा संकेत हो सकता है।
इस दिन हो सकती है विपक्षी एकता की बैठक। विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता के सिलसिले में 12 जून को बैठक हो सकती है, लेकिन पटना में यह बैठक किस जगह पर होने वाली है इसकी कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि अभी तक इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी विरोधी कुल 18 दल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में पछाड़ने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। उसके बाद ही रणनीति के अनुसार आगे कार्यों को संचालित किया जाएगा। इस बैठक के दौरान देश में मौजूद अधिकतर विपक्षी एकता की झलक साफ देखने को मिलेगी। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, वाम दल के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन सहित विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री कुमार सरबजीत ने गिरिराज सिंह पर लगाए यह आरोप। बिहार सरकार में मंत्री कुमार सरबजीत ने सनातन धर्म की बात करने वाले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर गया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि माथे पर तिलक लगा लेने भर से कोई हिंदू नहीं हो जाता। आगे उन्होंने गिरिराज सिंह को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर गिरिराज सिंह में हिम्मत है तो मेरे साथ दलित की थाली में खाना खाकर दिखा दे। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार में कृषि मंत्री सरबजीत ने गिरिराज सिंह पर यह भी आरोप लगाए कि गिरिराज हिंदू मुस्लिम की बात कहकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर केंद्रीय मंत्री ने राजद को कही ये बात। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राजद पर निशाना साधते हुए राजद की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान आरजेडी द्वारा देना गलत है और लोकतंत्र का अपमान है। भारतवर्ष में लोकतंत्र पूरी तरह से जीवंत है। संसद भवन के अंदर हमारे जितने भी सांसद हैं वे देश के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को अगर आरजेडी ताबूत के नजरिए से देखती है तो आरजेडी की सोच साफ साफ झलकती है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आगामी चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि राजद की सोच अभी यही है तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इनको बता देगी कि इनकी हैसियत क्या है। पार्टी के खिलाफ जाकर यह सांसद उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, क्या जदयू करेगी कार्रवाई। देश भर में कई विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया था जिसमें जदयू भी शामिल थी, लेकिन जदयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश राज्य के उपसभापति होने के नाते इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। अब इसे लेकर जदयू अपने इस सांसद हरिवंश पर हमलावर होती नजर आ रही है। दरअसल जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने हरिवंश पर तंज कसते हुए कहा है कि देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं इन्हें उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, वहीं उपसभापति के नाते हरिवंश वहां मौजूद रहे। हरिवंश का इस कार्यक्रम में मौजूद रहना दिखाता है कि हरिवंश का दिल कहीं और लग गया है। आगे उन्होंने हरिवंश पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ राज्यसभा के सभापति का मान मर्दन हो रहा जबकि हरिवंश पर ही सभापति की मर्यादा को अक्षुण रखने का दायित्व था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह साफ दिखाता है कि पद के लिए जमीर से समझौता कर लिया। वही उद्घाटन समारोह में हरिवंश के शामिल होने वाले मामले को लेकर क्या कार्यवाही होगी पर इस सवाल किए गए तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन को लेकर कही ये बात। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ पकड़कर स्वागत किया। एचडी देवेगौड़ा ने इस मौके पर कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इस महान क्षण का साक्षी बनने का मौका मिला। आगे उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि वह अपने जीवन काल में नए संसद भवन में बैठ सकेंगे। उन्होंने कई प्रमुख राष्ट्रीय हस्तियों को याद करते हुए कहा कि हमारा देश और संसद खूनी क्रांति से दागदार नहीं है। हम शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों के जरिए एक राष्ट्र बने। यह एक अमूल्य उपलब्धि है। यह हमारी विरासत है और यही मूल्य प्रणाली है जिसे हम संरक्षित करना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा आरजेडी को इसी ताबूत में दफन कर देगी जनता। नए संसद भवन के त्रिभुजाकार आकार को लेकर राजद द्वारा संसद की तुलना ताबूत से किए जाने पर बीजेपी द्वारा जमकर आलोचना की जा रही। दरअसल भाजपा के बिहार इकाई द्वारा पहली तस्वीर में ताबूत दिखाते हुए ट्वीट किया गया कि पहली तस्वीर आपका भविष्य है और दूसरी तस्वीर में संसद भवन को दिखाते हुए कहा गया कि दूसरी तस्वीर भारत का भविष्य है। आगे भाजपा प्रवक्ता सहजाद पुनावाला द्वारा कहा गया कि वे इस हद तक गिर गए हैं, यह राजद की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। भारतीय व्यवस्था त्रिकोण या त्रिभुज का काफी अधिक महत्व है। वैसे ताबूत में 6 किनारे होते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा कहा गया कि 2024 में देश की जनता राजद को इसी में बंद करके दफन देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया कटाक्ष। संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा है कि संसद लोगों की आवाज है, संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री, उद्घाटन समारोह से पहले भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन के उद्घाटन नहीं कराना और उन्हें समारोह में आमंत्रित नहीं करना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के माध्यम से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखे पर उन्हें हमारी जमीन से अलग कर दे। मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं। आगे उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगू बना देती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी सुब्रमण्यम प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा के कई नेताओं पर हमलावर होते अक्सर दिखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार पर तंज कसकर कवितानुमा ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि 9 सालों में जानलेवा महंगाई, बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई, हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, बिगड़ा बजट, जीना दुश्वार। अपने इस ट्वीट के साथ साथ खड़गे ने एक वीडियो भी शेयर किया। अपने इस वीडियो में उन्होंने 2014 के दामों से चीजों की आज के कीमतों से तुलना की। बता दें कि वीडियो में उन्होंने गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल, सरसों का तेल, देसी घी, दूध और दालों के दामों की तुलना कांग्रेस सरकार और अभी के सरकार में की है। साथ ही तुलना करते हुए उन्होंने लिखा कि महंगाई तो दिखता नहीं या ये महंगी चीज हम खाते ही नहीं, अच्छे दिनों से अमृतकाल की यात्रा, महंगाई से जनलूट की बढ़ती गई मात्रा। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, महेंद्र कुमार, दयाशंकर प्रसाद, सुजीत कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नए संसद भवन को लेकर आप अपने विचार साझा करें। आप न जाओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।